और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं, 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है।